दोस्तों, आज हम बात करेंगे सुख क्या है। इसके ऊपर काफ़ी बार मैं जिक्र कर चुका हूँ, चर्चा कर चुका हूँ, बट आज इसमें थोड़ा सा डीप जाएंगे और देखेंगे कि व्हाट इज हैप्पीनेस। वी नीड टू अंडरस्टैंड समथिंग दैट जो भी हमारी इच्छाएं हैं, जब उसकी पूर्ति हो जाती है तो एक तरीके का आनंद प्राप्त होता है। इसके अलावा आपको भूख लगी, आपने खाना खा लिया, तो वो एक सर्वाइवल का एक जो हैप्पीनेस है, सर्वाइवल फुलफिलमेंट हुआ। आपको ठंड लग रही थी, आपको घर मिल गया, कपड़ा मिल गया, खाना पीना मिल गया, तो एक अलग तरीके की ये हैप्पीनेस है जो होती है। जब आपको वो चीज़ मिल जाती है, जब आपके पास जो आपके पास जो आप चाहते हो, जो आपकी इच्छा थी, तो आप अपने अंदर सुख निर्मित करते हो। जब आपको वो चीज़ नहीं मिलती जो आप चाहते हो, तो आप अपने अंदर दुख निर्मित करते हो। अंदर ही रहा है, ऐसा लग रहा है कि बाहर की वजह से हो रहा है, लेकिन हो अंदर ही रहा है। क्योंकि सुख जो है वो कहीं बाहर नहीं है भाई। आपने किसी लड़की को टच किया तो कहां, क्या वो लड़की के स्किन से प्लेजर अंदर गया है या प्लेजर अंदर ही था? जब आप किसी लड़की को टच करते हो, सेक्स कर रहे हो, खाना पीना खा रहे हो, जो भी कर रहे हो, वो अंदर ही तो स्वाद आ रहा है। लेट्स से कि आपका जुकाम हो रखा है, तो आप खाना भी खाओगे तो भी नहीं स्वाद आएगा। तो जो कुछ भी फील हो रहा है वो तो अंदर ही फील हो रहा है, बाहर कुछ है कहां। बाहर तो ट्रिगर पॉइंट है। तो कुछ लोग कहते हैं ट्रिगर पॉइंट की भी आवश्यकता है। ट्रिगर पॉइंट की आवश्यकता तब तक है जब तक वो ट्रिगर पॉइंट आपसे आपका आपके मन का है, तभी तक ट्रिगर पॉइंट अच्छा लगता है। जैसे ही वो मन भर जाता है ट्रिगर पॉइंट से, तो उस ट्रिगर पॉइंट से सुख मिलना बंद हो जाता है, आनंद मिलना बंद हो जाता है। हमें तो ये पता ही नहीं है सुख क्या है, हम तो सिर्फ आनंद को सुख समझते हैं। कुछ बेवकूफ लोग आएंगे, कहेंगे कि सत चित आनंद ये यहां पे लिखा हुआ, तो सत्य ही चित है, चित ही आनंद है। अरे उनको छोड़ो, आप अपने एक्सपीरियंस पे देखो, लिख के तो पता नहीं क्या क्या लोग गए हैं, लिख के तो पता नहीं लोग क्या क्या चले गए, तो सबका मानते रहे क्या बैठ के। दुनिया की बातें मत करो, शास्त्रों की बातें मत करो, भगवत गीता की बातें मत करो, गीताएं मत पढ़ो, शास्त्र मत पढ़ो, अपनी पुस्तक पढ़ो, खुद की पुस्तक पढ़ो, अपनी पुस्तक के हिसाब से बताओ कि आनंद और सुख क्या प्रेरित हो रहा है। लोग बाहर से कुछ ज्ञान पढ़ेंगे, फिर आके यहां पे डालेंगे कि चित्त ही आनंद है, ये तो वहां लिखा हुआ है, तो आनंद अलग कैसे हो सकता है, आनंद ही सुख है, तो वहां लिखा हुआ है। आप अपने एक्सपीरियंस से बताइए, दुनिया की बातें छोड़िए। क्या मैं कह रहा हूं कि वो सब झूठ है? हां झूठ है, क्योंकि वो मेरे एक्सपीरियंस से मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि वो मेरे अनुभवों से मैच नहीं कर रहा है, वो मेरे अनुभवों से मिल नहीं रहा है। और जो मेरे अनुभव से नहीं मिलता है, चाहे वो किसी भी भगवान ने लिखा हो, मैं उसे नहीं मानूंगा। और अगर आप मान गए, तो आप में और एक नॉर्मल जो शास्त्र पढ़ने वाला व्यक्ति है उसमें कोई फर्क नहीं है, क्योंकि शास्त्र पढ़ने से
ग्रोथ नहीं होती है। शास्त्र लिखे ही गए हैं अंदर से देख के, पहले शास्त्र आए या पहले बोध आया ये देखना जरूरी है। बोध आया, जब पहला बोध आया फिर आदमी ने लिखना चालू किया कि भैया हाँ मुझे ये अंदर से फील हो रहा है, अब मैं एक पुस्तक लिख दूंगा इस पे। उन पुस्तकों को हमने बोल दिया कि शास्त्र है, गीता है। इसका मतलब लिखा तो अंदर से ही जा रहा है, और लिखा भी अगर अंदर से जा रहा है तो इसका मतलब कि पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, आप अंदर से ही देख सकते हो चीजों को। तो दुनिया की बातें मत करिए, खुद के अंदर झांकिए, स्वयं के अंदर झांकिए और देखिए क्या है क्या नहीं है। जो कुछ भी खत्म हो जाता है वो सब प्लेजर है, आनंद है। आपने शादी करी, आज वही आपको योनि अच्छी लग रही है, कल उसी योनि से तुम बोर हो जाओगे, दूसरी योनियों के पीछे भागते रहोगे। तुमने कहा कि मुझे इमोशनल सपोर्ट देगी मेरी वाइफ, लेकिन देख रहे हो लड़ाइयां झगड़ा हो रहे हैं। इमोशनल सपोर्ट कोई कैसे देगा, क्योंकि तुमको अनलिमिटेड हैप्पीनेस चाहिए और तुम्हारी वाइफ जो है बेचारी उसके पास तो ऑलरेडी सुख की कमी है, वो लिमिटेड है। आपको अनलिमिटेड चाहिए, आप अनलिमिटेड लिमिटेड से कैसे मांग सकते हो? एक खोखले आदमी से जो खाली है अंदर से, जो खुद शादी कर रहा है प्यार के लिए, आपने शादी करी प्यार के लिए, दो खाली लोग मिल रहे हैं, व्हाट अ इडियोक्रेसी। दो खाली लोग ये इमेजिन करके साथ में आए हैं, दो खाली लोग, खोखले लोग, कि सामने वाला भरा हुआ है और सामने वाला हमें प्यार देगा। क्योंकि मैक्सिमम लोग 95% लोग, 95% जनता शादी सुख के लिए करती है, 5% करती होगी किसी और कारणवश, 95% जनता शादी सुख के लिए करती है। जो आदमी कहता मैं सुख के लिए शादी नहीं कर रहा हूं वो झूठ बोल रहा है। या तो शारीरिक सुख होगा या मानसिक सुख होगा या आर्थिक सुख होगा। आर्थिक सुख क्या, बुलेट मिल जाएगी, कार मिल जाएगी, लड़की की तरफ से देखो तो घर मिल जाएगा, अमीर हो जाऊंगी, BMW से चलूंगी। लड़की अपने से 4 गुना महंगा लड़का ढूंढती है और लड़का अपने से 4 गुना सुंदर लड़की ढूंढता है। एक लड़की अगर BA पास है और वो बहुत सुंदर है तो हो सकता है वो गरीब घर की भी हो तो भी वो शादी कर ली जाएगी, क्योंकि उसकी सुंदरता को एक्सप्लोर करना उसकी कामना है उस लड़के की। वो उसकी सुंदरता को छूना चाहता है, स्पर्श करना चाहता है, एक्सप्लोर करना चाहता है, उसको इससे मतलब नहीं है। वेरेस लड़की को सूरत से कोई मतलब नहीं है, वो कुरूप से कुरूप व्यक्ति से भी शादी कर सकती है और होता ही है। मैं झूठ बोल रहा हूं तो जाके शादियों में देखो, क्योंकि लड़कियां हैंडसमनेस जो है, जो सुंदरता है, वो 5वें नंबर पे लाती है। पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर पे नेचर, आर्थिक स्थिति, घर वाले, प्रॉपर्टी, बंगला, बैलेंस, ये सब देखा जाता है। तो लड़कों को सुख की प्राप्ति तभी होती है, अगर सुख ना बोले आनंद बोले, ये आनंद की प्राप्ति, सुंदर लड़की की आनंद की प्राप्ति तभी होती है, या तो लड़का सरकारी नौकरी का हो या तो बिजनेसमैन हो, काफी अमीर हो। मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि उसमें आनंद है, सुख है ही नहीं। तुम चाहे बिजनेस क्लास के हो, चाहे तुम सरकारी नौकरी के हो, और तुमको लग रहा है तुम्हें सुंदर लड़की मिल जाएगी तो तुमको मजा आएगा, वो मजा जो है वो क्रोध पैदा करता है अंदर। ये लोगों को नहीं पता है, जितना ज्यादा तुम इंद्रियों को उत्तेजित करोगे उतना ज्यादा क्रोध पैदा होता है। आदमी शराब ज्यादा जब पीता है तो उसको गुस्सा आने लगता है। आप महीने 2 महीने में एक बार शराब पियो आपको कुछ नहीं होगा,
आप हफ्ते में एक बार शराब पियो आपको कुछ नहीं होगा, आप रोज शराब पीना चालू कर दो, आप देखोगे 15वें दिन के बाद आपको शराब पीने के बाद गुस्सा आने लगेगा, क्योंकि अब इंद्री बहुत ज्यादा उत्तेजित कर दी गई है, आपने लिमिट क्रॉस कर दी है, तो अब वो क्रोध में कन्वर्जन होता है। आपने देखा होगा कि सेक्स कर रहे हैं और लड़की की जो सलवार है वो खुल नहीं रही है, उसमें नाड़ा जो है वो बंधा हुआ है, वो खोलने की कोशिश कर रहा है और बहुत काफी स्ट्रांग कामना हो रखी है उस वक्त, काम से मोहित हो चुका है दोनों लोग, लड़का और लड़की इस समय, और तगड़े लेवल पे, तो उस समय नाड़ा आदमी तोड़ देता है गुस्से में। आप देखोगे कि अगर लड़की मना कर दे कि सेक्स नहीं करना है बीच में ऑर्गेजम से पहले, तो आप देखोगे आदमी को बहुत तेज गुस्सा आता है। आप देखोगे जहां पे ये प्लेजर है, प्लेजर का चरम सीमा है, आनंद की चरम सीमा पे क्रोध का केंद्र है। जब आदमी एक्सेस हस्तमैथुन कर लेता है, एक्सेस मतलब क्या, दिन में तीन तीन चार बार हिला रहे हैं, तो आप देखोगे कि जैसे ही वो शुरू में उसको अच्छा लगा, लेकिन जब वो ज्यादा करने लगता है तो उसके अंदर एक गुस्सा रहता है, पूरे दिन इरिटेशन रहता है, फ्रस्ट्रेशन रहता है, गुस्सा आता है उसको। वो गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि टेस्टोस्टेरोन की अधिक मात्रा से खून में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा अगर बहुत ज्यादा हो जाती है तो वो क्रोध को निर्मित करती है। जहां पे चरम सीमा है आनंद की, वहीं से क्रोध चालू होता है। आप देखोगे कि अभी मेरा कुछ दिनों पहले 3 बार मेरा एक्सीडेंट हो चुका है, माइल्ड एक्सीडेंट थे तीनों, बाइक से आप जाते हो तो मैंने वाइजर लगा रखा था, काला वाला जो हेलमेट का शीशा है वो मैंने लगा रखा था, तो उसकी चक्कर में रात में एक्सीडेंट हो गया। मैंने एक चीज नोटिस करी कि जब भी एक्सीडेंट हुआ है स्प्लेंडर वाले रुके हैं, पैशन प्लस वाले रुके हैं, पैशन स्प्लेंडर बॉक्सर ये सब जो गाड़ियां हैं बाइकें हैं ये वाले रुक के मुझे तुरंत हॉस्पिटल लेने की इच्छा करते हैं, लेकिन मेरी मैं हॉस्पिटल बाई चांस गया नहीं क्योंकि मेरी इतनी चोट नहीं लगी थी। आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि कोई कार वाला रुक जाए और उतर के आके हेल्प करे, बहुत होगा ही नहीं, बाइक वाले आपको हॉस्पिटल ले जाएंगे, आपको छोड़ के आएंगे, और बाइक वाले कौन, महंगे बाइक वाले नहीं, जो पल्सर चला रहा है वो नहीं, स्प्लेंडर वाले, इसका मतलब उनके अंदर जो है ना क्रोध नहीं है, उनके अंदर अभी भी दिल जो है धड़क रहा है, वो इमोशनल है। आप जब भी एक्सीडेंट होता है कभी ऑब्जर्व करिए, अपना नहीं हो रहा किसी सामने वाले का हो रहा, देखो कौन लेके जा रहा हॉस्पिटल, हॉस्पिटल हमेशा स्प्लेंडर वाला लेके जाएगा, पैशन प्लस, पैशन ये सब जो गाड़ियां होती हैं छोटी छोटी, यही आदमी साइकिल वाला लेके जाएगा, वो रुकेगा क्योंकि वो 2 घंटे घर लेट भी चला जाएगा तो कोई इश्यू नहीं, वो आपको लेके जाएगा, वो ही लेके जाता है। क्यों, कभी सोचा किसी ने, क्योंकि निर्दयी हो जाता है आदमी जब आदमी पैसे को ज्यादा, आदमी मैं ये नहीं कह रहा हूं हर अमीर आदमी निर्दयी है, मैं कह रहा हूं कि पैसा अब्यूज करने से, पैसे का इस्तेमाल करके हाउस पार्टियां, प्लेजर खरीदना, पैसे से आप क्या खरीदते हो, प्लेजर खरीदते हो, आप गए दुबई या कहीं आपने थाईलैंड में मसाज करा लिया, आपने संभोग कर लिया 1000 स्त्रियों के साथ, आपने घर खरीद लिए, हाउस पार्टियां कर ली, आप कोकेन कर रहे हो, दारू पी रहे हो, महंगी महंगी दारू है, हर हफ्ते आपका आप अब्यूज कर रहे हो, क्योंकि पैसा ज्यादा होता है तो आदमी को खुजली मस्ती है कि कहां आप खर्च करें, क्या करें ऐसा पैसे का। तो जब आदमी निकलता है सड़क से और एक्सीडेंट हो रखा हो तो वो रुकेगा नहीं, क्यों, क्योंकि वो पैसे को अब्यूज कर रहा है, तो क्रोध ज्यादा हो गया मतलब क्या, दया कम है, दया कम है। तो जहां पे प्लेजर का
इस्तेमाल ज्यादा होता है वहीं पे क्रोध निर्मित होता है। गरीब आदमी आपको हमेशा शांत मिलेगा, आप गांव चले जाओ आपको शांति मिलेगी, एक अलग तरीके की शांति, आपको समझ नहीं आएगा क्यों मिल रही है। आप उत्तराखंड के किसी गांव चले जाओ, यूपी के किसी गांव में चले जाओ, बिहार में चले जाओ, गांव मतलब जहां पे बिल्कुल घनघोर गांव, शहर से कनेक्टेड ही नहीं है वो, ऐसे गांव में आप जाओगे आप देखोगे कि कितने अच्छे लोग हैं, आपको बहुत अच्छे से बुलाएंगे, आपको खाना वाना भी खिलाएंगे। मैं ऐसे गांव में जाता रहता हूँ, मैं कर्नाटका में था तो मैं बाइक लेके अपना टहलता रहता था। उस वक्त मेरे अंदर ये भ्रांति थी कि यात्रा करो तो सुख की प्राप्ति होगी, तो मैं बहुत घूमता था। तो एक बार घूमते घूमते मैं एक गांव पहुंचा, वो हट टाइप का था उनका घर, मतलब ऊपर से ट्रायंगल जैसे होता है वो था। जब मैं पहुंचा वहां पे तो उन्होंने मेरे को बोला कन्नड़ा में कि खाना खाओगे क्या। वो जानती नहीं है मेरे को, ना उनके हस्बैंड जानते ना वो जानती। उन्होंने मेरे को सीधा पूछा हेगी दीरा मतलब होता है हाउ आर यू, और बोला खाना खाओगे क्या, ऐसे उन्होंने मेरे को बोला हिंदी में। मैंने कहा कि नहीं खाना नहीं। उन्होंने पूछा खाना खाया क्या। मैंने कहा नहीं आंटी मैं खा के आया हूँ। नदी के किनारे वो लोग रहते थे, सामने नदी बह रही थी, सुवर्णा नदी कर्नाटका में बहती है, सामने बह रही थी, हरी नदी बोलते हो, ग्रीन रिवर। मछुआरे का घर था वो, पहली बार लाइफ में ऐसा हुआ। तो आप कभी दिल्ली में जाओ कह दो भैया खाना खिलाओ तो भगा देंगे आपको मार मार के। तो मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लोग ऐसे होते वैसे होते, यहां पे बात ये नहीं हो रही, यहां पे बात माइंड की हो रही है, हाउ माइंड ऑपरेट्स, व्हाट इज हैप्पीनेस, व्हाट एवर वी थिंक हैप्पीनेस इज, इट्स नॉट हैप्पीनेस। वी थिंक प्लेजर इज हैप्पीनेस, प्लेजर इज नॉट हैप्पीनेस। तो क्या प्लेजर लेना बंद कर दें? बिल्कुल मत लो, मतलब बंद मत करो, लेकिन उसमें सुख मत ढूंढो। प्रॉब्लम क्या है कि हम जब मैं बोलता हूं कि सुख आनंद की तरफ मत भागो तो लोग सोचते हैं कि क्या सब छोड़ दें क्या। अरे भैया छोड़ना नहीं है, आप हमेशा ड्यूअलिटी में क्यों काम करते हो? जब मैं बोल रहा हूं छोड़ दो तो आप या तो माइनस की तरफ भागोगे या प्लस की तरफ भागोगे। एक तीसरी संभावना भी है, कुछ भी करो सुख की आकांक्षा मत रखो उससे। जिस दिन तुमने सुख की आकांक्षा रख ली इस दुनिया से, अपेक्षा रख ली, उस दिन तुम्हारा विनाश निश्चित है, तुम्हारा विनाश चालू हो गया है, काउंटडाउन चालू हो गया विनाश होने का, यू विल बी डिस्ट्रॉयड फॉर एवर। अब क्रोध बढ़ेगा, निर्दयता बढ़ेगी, दयाहीनता आएगी आपके अंदर, मतलब प्यार खत्म होगा, जो आपके इमोशंस हैं वो आनंदित रहने चाहिए, वो प्यार से भरे रहने चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए उसमें। और जो शहर के लोगों में इमोशन है उसमें क्रूरता है, क्रुएलिटी है, क्रुएलिटी एक्सट्रीम लेवल पे नहीं है लेकिन उनको फर्क भी नहीं पड़ता। स्वयं बहुत ज्यादा विकसित हो गया इनमें, मैं बढ़ गया है, स्वयं मैं मेरा करियर, मेरा मेरी लड़की, मेरा प्यार, मेरा ब्रेकअप हो गया, मेरा ये हो गया, मैं। अरे आपका भी ब्रेकअप हो गया, किसी और का भी करियर नहीं बन पा रहा है, किसी सामने वाले का भी ब्रेकअप, हमें किसी से मतलब नहीं है। मेरा ब्रेकअप हो गया, मैं पूरे टाइम मैं, मुझे अपने आप को बनाना है कुछ ना कुछ। सरदर्द, डिप्रेशन का शिकार होते जा रहे हो। चक्कर क्या है? चक्कर सारा यही है कि हमें पता ही नहीं है कि इमोशंस कैसे काम करते हैं,
दो ही टाइप के इमोशंस हैं, लव इमोशन, हेट इमोशंस। एक्सट्रीम जो है वो स्केल के एक्सट्रीम लेवल पे जो है वो राइट एक्सट्रीम पे लव है, लेफ्ट एक्सट्रीम पे हेट है। आप 20 से चालू करते हो अपने जीवन को, और बीच में क्या है कि हेट भी है लव भी है, मतलब कम हेट है कम लव है, बीच में बैलेंस्ड है कह सकते हैं। तो अगर राइट साइड आप चले गए ज़्यादा तो समझ लो आप जिंदगी में अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन अगर आप लेफ्ट साइड चले गए जिस तरफ हेट है तो समझ लो कि आप जितना ज़्यादा आप लेफ्ट जाते जाओगे। और कैसे लेफ्ट जाता है? इंद्रियों को उत्तेजित करके। तो इंद्रियों को जितना हो सके उतना संतुलित यूज करना है, सेक्स करना है, लेकिन सेक्स से ये आकांक्षा नहीं रखनी है। लोग सेक्स करते हैं बार बार प्लेजर पाने के लिए, क्योंकि वो खुद दुखी हैं। लेकिन एक इंसान जो सुखी है ऑलरेडी, वो प्लेजर उतना ही लेगा जितना संतुलित चाहिए। तो हफ्ते में मान लो उसका बॉडी मांग रही है 2 बार सेक्स, तो 2 बार सेक्स करेगा। लेकिन दूसरा आदमी क्या करेगा, जो आदमी क्रोधित है, जो आदमी अकेला है, जो आदमी दुखी है, वो क्या करेगा? वो सेक्स को सुख का स्रोत बनाएगा। वो क्या करेगा? अपनी वाइफ के साथ तो करेगा ही करेगा 10 बार, वो दूसरों की वाइफ को भी देखेगा। और एक्स्ट्रा मैरिटल आज बढ़ता जा रहा है, एडल्ट्री बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि पैसे को बहुत ज्यादा दुरुपयोग किया जा रहा है सेंसरी प्लेजर्स के लिए। तो इसके चक्कर में क्या होता है, लोग कहते हैं क्या फर्क पड़ता है, मजे लो ना लाइफ के। अरे मजे तो तू लेगा, तुझे ये क्यों नहीं दिखता है? जितना तू मजा लेगा उतना ही तू क्रोधित हो रहा है, और जितना तू क्रोधित होगा उतना ही तू निर्दयता में जाएगा, दयाहीनता तेरे अंदर घुसेगी। और जितना ज्यादा तू दयाहीनता में जाएगा उतना ही ज्यादा तू फ्रस्ट्रेटेड है, इरिटेटेड है, और गलत काम में जाने में तेरी रुचि होने लगेगी। क्योंकि जो आदमी ज्यादा क्रोधित है वो आदमी क्रिमिनल बनने से बहुत नजदीक है। एक क्रिमिनल कैसे बनता है? उसको बचपन में बहुत टॉर्चर किया जाता है, उसके बाप को डोमेस्टिक वायलेंस देखा होता है उसने, उसका बचपन नाइटमेयर होता है, फिर वो 18 साल की उम्र में बिल्कुल क्रूर हो जाता है, उसके अंदर एक सुख का वो नहीं बसता कण। देयर इज नथिंग कॉल्ड एज लव इनसाइड हिम। व्हाट हैपेंस इज बर्बादी हो जाती है। सो व्हाट इज हैप्पीनेस? वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। व्हाटएवर यू आर ट्राइंग टू टच, व्हाटएवर यू आर ट्राइंग टू फील, स्मेल, टेस्ट, टच, टेस्ट, हियर, ऑल द प्लेजर्स आर इनसाइड यू। लेट्स से कि अगर आप गाना सुनते हो, आपको गाने में मजा आ रहा है, तो वो गाना जो है क्या वो अंदर मजा नहीं दे रहा है आपको? मतलब क्या वो गाना आपको मजा दे रहा है, या फिर वो माइंड को अच्छा लग रहा है और माइंड अंदर से डोपामाइन रिलीज कर रहा है? मतलब एवरीथिंग इज डोपामाइन एंड ऑक्सीटोसिन, और आपको लगता है ये ट्रिगर करता है, पर वो ट्रिगर आप खुद भी कर सकते हो और उससे बड़े बड़े हॉर्मोन्स को ट्रिगर कर सकते हो। इसीलिए साधना का बहुत ज़्यादा आज के ज़माने में जो शहर में लोग रहते हैं, कि अगर आप कर्नाटका, गुजरात, दिल्ली, यूपी, बिहार, कहीं भी अगर आप रह रहे हो, जहाँ पे शहर में आप रह रहे हो, कानपुर, लखनऊ जैसे एरिया में जहाँ पे क्रोध अपने चरम सीमा पे है, वहां पे साधना का बहुत बड़ा विज्ञान छुपा हुआ है। क्योंकि साधना क्या करती है, अंदर से हार्मोन रिलीज करती है, और वो हार्मोन जो है वो आपको शांत करता है, बशर्त है कि आपको पता हो बाहर कुछ नहीं है। अगर आपको पहले ही पता है बाहर कुछ नहीं है तब अंदर से साधना काम करेगी। कई लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं जिनके ऊपर साधना काम ही नहीं करती, तो वो क्या करेंगे, कहेंगे कि अरे सर मैंने इतना ये अनहद ध्वनि को सुना, मैंने कुछ नहीं हो रहा है, होता कुछ नहीं है, बस थोड़ा बहुत अच्छा लगता है। मैंने कहा आपको अभी भी बाहर कुछ कामना है बाहर से? क्या आपको 150% पता है बाहर कुछ नहीं है, या आप अभी भी अनश्योर हो? मेरे को सुनते हो तो अच्छा लगता है, आपको खुद नहीं पता।
क्योंकि जिस आदमी को बाहर से बिल्कुल दरवाजे बंद कर लिए जिसने, दरवाजे बंद मतलब क्या, उसको 150% पता है बाहर कुछ नहीं है। बाहर कुछ नहीं का मतलब क्या, बाहर सुख नहीं है, बाकी सब कुछ है। बाहर से कंफर्ट लाइफ मिलेगी, बाहर से सर्वाइवल मिलेगा, लेकिन बाहर से सुख की प्राप्ति है ही नहीं। दिखवा लो मेरे से आप। तो अब सवाल ये आता है कि क्या मेरी बात सुन के बाहर को एक्सप्लोर करना बंद कर दें? शैल वी स्टॉप एक्सप्लोरिंग आउटसाइड प्लेजर्स बाय लिसनिंग टू मी? नो, यू नीड टू एक्सप्लोर योर सेल्फ। आपको 10 बार रिलेशनशिप में जाना है, आप जाओ। आपको 50 बार सेक्स करना है, 50,000 बार करना है, करो। आप सब कुछ करके पहले देख लो, फिर एक पॉइंट आएगा जहां पे आपको लगेगा यार सब कुछ करके देख लिया, अब मुझे लग रहा है कि बाहर कुछ नहीं है। और बाहर आपको श्योर होना चाहिए, अनश्योर नहीं होना चाहिए, है ना। आपने बंद कर दिया। अब मैं भी गाने वाने गाता हूँ, मेरे शोज होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप जब मेरे शोज देखोगे तो आपको नहीं लगेगा कि मैं, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे पता है कि मेरे अंदर क्या है। जब मैं गाना गा रहा हूँ तो मैं गाना गा रहा हूँ, उस वक्त मैं गाने के मज़े ले रहा हूँ, मुझे मज़ा भी आ रहा है, आपको भी सुनने में मज़ा आएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं डिपेंडेंट हूँ उस पर। लोग क्या है, गाने पर डिपेंडेंट है। वो कहेंगे गाना मेरी ज़िंदगी है, गाना मेरी जिंदगी है, यह मेरे से निकल चुका है। हो सकता आपकी जिंदगी हो, मेरी नहीं है। क्योंकि अगर मैंने उसको जिंदगी बना लिया तो आज मुझे उसी गाने में मजा आ रहा है, कल नहीं आएगा, तब मैं क्या करूंगा। और यह होता भी है, आज आपको किसी गाने में मजा आया, कल नहीं आता, वही सेम गाना, वही हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, ये वाला जो गाना है, इसमें आपको आज मजा आएगा, कल नहीं आएगा। फिर आप दूसरा गाना पकड़ोगे, एक पॉइंट आएगा जहां पे आप कितना भी गाना सुन लो आपको मजा नहीं आने वाला। तो मजा, या जो आप मजे को सुख समझ रहे हो, गलत है। मजा आता जाता रहता है, कभी आएगा कभी रहेगा, ऐसे ही होता है। कभी मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेटिंग पे जाता हूं तो हार्डली 10 में से 2 या 3 डेट अच्छी होती है, 7 डेट्स 70% ऑफ द डेट्स इन द रेस्टोरेंट और एनीवेयर, इट्स वेरी बोरिंग। एंड दिस इज द सेम कहानी फॉर शादी ऑल्सो। वेन यू आर गेटिंग मैरिड, आपके साल में कुछ 2 या 3 हफ्ते ही होंगे जिसमें आपको अच्छा लग रहा होगा आपकी वाइफ के साथ। उस वक्त आपको ऐसा लगता है कि ये अगर नहीं होगी तो पता नहीं क्या होने वाला है। लेकिन वो महीने में 1-2 दिन 3 दिन आते हैं, महीने में 4-5 दिन आते हैं, बाकी के 26 से 25 दिन आपको ऐसा लगता है कि यार इससे मेरे को कोई सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है, आपको बिल्कुल न्यूट्रल लगता है, इट्स लाइक टोटली ग्रे। सडनली फॉर 4 डेज इट बिकम्स कलरफुल, बट फॉर 26 to 25 डेज इट इज ग्रे। सो पीपल ऑलवेज प्रोक्लेम और कंक्लूड कि शादी नहीं करनी चाहिए। शादी करो, शादी से अपेक्षा मत रखो। प्यार करो, प्यार से अपेक्षा मत रखो। किस चीज की, सुख की, किस चीज की अपेक्षा रखनी है? कि वो किसी और के साथ सो रही है तो आपको हाँ ठीक है अपेक्षा नहीं रखनी, भाड़ में जाओ क्या करना, सोती रहो। वो आपसे झूठ बोल रही है, आपको गालियां दे रही है, तो जब मैं बोलता हूं अपेक्षा मत रखो, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी और भी जो एरियाज है सब में से अपेक्षा छोड़ दो। मैं ये कह रहा हूं अपेक्षा रखो, लेकिन सुख के क्यों रख रहे हो? तो अब सवाल आता है कि जब सुख की अपेक्षा रखनी नहीं है तो शादी करनी ही क्यों है? और क्या करोगे? और कोई ऑप्शन है आपके पास? APJ अब्दुल कलाम की जगह या फिर रतन टाटा की तरह आपके पास कोई ऑप्शन है? कोई ऑप्शन है नरेंद्र मोदी जी की तरह? कोई ऑप्शन है आपके पास? इज देयर एनी ऑप्शन फॉर यू कि जहां पे आप अपनी एनर्जीज लगा सको? अगर आपके पास ऑप्शन है, आपके पास एक वजह है कि मुझे ये करना है, मुझे ना अब मंगल ग्रह पे दुनिया बसानी है, ये आपकी वजह बन गई, तो आपको शादी की जरूरत नहीं है, आप इसी में लगे रहोगे। लेकिन आपके पास क्या है? आप सरकारी नौकरी कर रहे हो, सरकारी नौकरी में कोई ग्रोथ है नहीं, वही सेम लूप है, सुबह ये काम करना, शाम को ये काम करना, घर आ जाना है। फिर आप जॉब कर रहे हो तो नौकरी कर रहे हो, नौकरी में एक लूप में हो, यू आर इन अ फकिंग लूप।
अब आप क्या करोगे? कुछ एक्सप्लोर करने के लिए है ही नहीं, कुछ नया नहीं है, कुछ चैलेंजिंग नहीं, तो क्या करोगे? शादी तो करोगे, शादी क्या करेगी आपको? शादी थोड़ा बहुत आया, थोड़ा बहुत सीमन वगैरह निकाला, बच्चों बच्चों के साथ किया, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, ठीक, और क्या करोगे? 5 बजे के बाद जब तुम आओगे तो क्या करोगे? कोई वजह है एनर्जी को निकालने की? तो अब सवाल कुछ लोग करते हैं कि खाली बैठे रहेंगे, नेटफ्लिक्स देखेंगे, कब तक करोगे? मैं कह रहा हूं सब कुछ छोड़ो, खाली बैठ के दिखाओ। यहां पे जब आप ये सवाल पूछते हो ना कि शादी क्यों करेंगे, तो आपको एनर्जी की प्रकृति समझना जरूरी है। ऊर्जा की प्रकृति क्या है? ऊर्जा कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। सो उस ऊर्जा को निकलना ही निकलना है। कहां निकाल रहे हो? बुद्धि से निकाल रहे हो या पीनिस से निकाल रहे हो? कहां से निकाल रहे हो? वो ऊर्जा निकलेगी। आपको क्या लगता है ऊर्जा हम बचा के रखे? ऊर्जा ऊर्जा बचती नहीं है सर। प्रारब्ध कर्म ऐसा ही होता है। प्रारब्ध सुबह मिलता है आपको 2-3 लीटर, 3 लीटर प्रारब्ध सुबह उठते हो, आपको 3 लीटर एनर्जी मिलती है। शाम को आते आते वो एनर्जी निकलनी जरूरी है, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। फिर अगले दिन फ्रेश एनर्जी मिलती है। रोज नया नया प्रारब्ध मिलता रहता है आपको। अब आप कहोगे मैं इसको बचा कर, कोई बैंक थोड़ी है ये कोई पैसा नहीं है कि इसको तुम किसी बैंक में स्टोर कर दोगे। ये स्टोर नहीं होता है, इसको यूटिलाइज करना जरूरी है। लॉ ऑफ एक्टिविटी अप्लाइड है यहां पे। एक्टिविटी हो ही रही है, बिना एक्टिविटी का कुछ नहीं है, रुकेगा ही नहीं कुछ। एवरीथिंग इज रिवॉल्विंग, रोटेटिंग, मूविंग एट अ सर्टेन स्पीड। आदमी कहता है बैठते हैं मेडिटेशन में, विचार ज्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि एनर्जी रुक गई है शरीर में, शरीर में एनर्जी नहीं जा रही है। तो एनर्जी क्या कर, बॉडी क्या करती है? विचारों की फ्रीक्वेंसी बढ़ा देती है। क्यों? क्योंकि आपकी शरीर की एनर्जी ट्रांसफर हो गई है थॉट्स में, तो थॉट बढ़ जाते हैं आपके। लोग कहते हैं समाधि आ गई, तो समाधि में तो कुछ नहीं होता है। हाँ तो कितनी देर के लिए? 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट? ऐसे तो डीप स्लीप भी है, वहां भी कुछ नहीं होता है। दो ही स्टेट्स में, इनफैक्ट अगर आप देखो डीप स्लीप में भी बॉडी रिचार्ज हो रही होती है, बॉडी में प्रक्रिया हो रही होती है, सेल्स काम कर रहे होते हैं। तो आप सो रहे हो, बॉडी नहीं सो रही है। आप अनकॉन्शियस, बॉडी अनकॉन्शियस नहीं है, बॉडी अपना काम कर रही है। बॉडी के बराबर कोई पहुंच ही नहीं सकता। तो ऊर्जा की प्रकृति पहले समझो क्या है, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनर्जी, हाउ टू कंट्रोल। यू कैन नॉट कंट्रोल योर माइंड, कैन नेवर कंट्रोल योर माइंड, यू कैन ओनली रिप्लेस द टास्क। मे बी टूडे यू आर मेकिंग टी, देन आप कह सकते हो टी नहीं बनानी, अब जॉगिंग करनी। चलो जॉगिंग नहीं करनी तो नेटफ्लिक्स देखना है, क्योंकि नेटफ्लिक्स में जब आप देख रहे हो तो एनर्जी कंज्यूम हो रही है। फिर आप खाना खाने का मन करता है आपका, क्योंकि बॉडी कह रही है चलो खाना, पेट में खाना मंगा लेते हैं, उससे एनर्जी को कंज्यूम करेंगे, शरीर में एक्सेस एनर्जी हो रही है उसको, यही तो हो रहा है। फिर खाना खा लिया, अब आपको मैस्टरबेट करने का मन करेगा। क्यों? क्योंकि एनर्जी है। तो एनर्जी जब आप जवानी में होते हो तो एनर्जी बहुत होती है, और शादी को त्यागने के लिए शादी में जाना जरूरी है। ये जो लोग कहते हैं ना यूट्यूब पे कि शादी मत करो, ये बेवकूफ है। जब तक तुम शादी नहीं करोगे तुम्हें समझ में कैसे आएगा शादी में क्या है क्या नहीं है? आज तक किसी को क्या समझ में आया बिना बोध के? कभी इंसान को समझ में आया है क्या है क्या नहीं है? एक आदमी है, एक बार की बात है, बहुत पहले की बात है, कि लोग ब्रेकअप में जाते थे, मैं देखता था, मैं बैठता था उनके साथ। वो बोलते थे कि मैं कभी ब्रेकअप में नहीं गया था उस वक्त तक। तो जब मैं बैठता था उनके साथ, तो वो दोस्त मेरे, तो उनको वो रोते रहते थे मेरे कंधे पे। मैं सोचता था पता नहीं क्या यार, मैं उनको बोलता था अरे सब सही हो जाएगा, वक्त के साथ सब सही हो जाता है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया।
तो मैं अंदर से आके सोचता, मैंने कहा पता नहीं क्या इन लोगों को इतनी क्या प्रॉब्लम हो जाती है, ऐसा थोड़ी कुछ होता है यार, ब्रेकअप वेकअप सब छोटी मोटी चीज़ें हैं, लाइफ एक बड़ी चीज़ है। जब मेरा ब्रेकअप हुआ तब मुझे समझ में आया कि वो क्या दौर होता है। तो जब तक आदमी को अनुभव नहीं होता, बोध नहीं होता, तब तक आदमी को समझ नहीं आता वो वक्त है क्या। वो वक्त कितना भी हम समझा लें आपको, शास्त्रों से, भगवद गीता से, अष्टावक्र गीता से, उपनिषद से, महावाक्यों से, कुछ भी हम समझाने को, आपको नहीं समझ में आएगा। जब बुद्ध पैदा हुए, 7 कदम चले खड़े खड़े, ऐसा कहानी है कि उनकी मां पेड़ के सहारे खड़ी थी और वहां से उन्होंने बच्चे को डिलीवर किया, और उतरते ही 7 कदम वो आदमी चला, 7 कदम चलते उसने बोला जीवन दुख है, ये जीवन दुख है। और आदमी को हर एक चरण पे जीवन के, हर एक उम्र पे, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 31, 32, हर एक उम्र पे आदमी को गलत फहमी होती है। 16 में सोचेंगे 18 के हो जाए तो ये हो जाएगा, फिर वो हो गया तो अब वो हो गया तो अब ये भी हो जाएगा, अब ये भी, अब ये हो जाए, अब ये हो जाए, अब ये हो जाए, हर आदमी को गलत फहमी होती है। ऐसे ही मरते दम तक आदमी को गलत फहमी होती रहती है। 40-50 के हो गए तो अब बच्चों की शादी करानी है, पोतों का सुख प्राप्त हो जाए, नाती पोते हो जाएंगे लाइफ में तो अच्छा है, नाती पोते से पहले कि बच्चे की शादी करानी है, बच्चा सेटल हो जाए, हर आदमी को गलत फहमी हो रही है। और 95% लोग नाती पोते की उम्मीदें रखते हैं सुख के लिए। नाती पोते की उम्मीदें सुख के लिए मत रखो, नॉर्मल रखो, रखो ही मत। कब तक उम्मीदें रखोगे? इस एज तक आते आते आपको उम्मीद भी नहीं रखनी चाहिए इस दुनिया से। 60 साल के तुम बुढ़े हो गए हो, 70 साल के, तुमको अभी भी 16 साल की लड़की के साथ नाच करना है? तुमको अभी भी उम्मीदें रखनी है? मैं तो कह रहा हूं 40 के बाद उम्मीदें रखनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि 40 तक आपको समझ में आ जाना चाहिए जीवन है क्या, और पहले आ जाए तो और ही अच्छा है। मेरे को 20 की उम्र में आ गया था, 20 की उम्र में मेरे को समझ में आ गया कि भैया लड़कियों में सुख नहीं है। फिर मुझे लगा मेरा पैशन है, फिर मैंने YouTube चैनल स्टार्ट किया, वहां पे कमेंट्स आने लगे, लोग मेरे गाने सुनने लगे, वहां भी समझ में आ गया कि यहां भी कुछ नहीं पड़ा हुआ है। और आज भी मैं काम उसी में कर रहा हूं, छोड़ा नहीं है मैंने काम म्यूजिक में ही। मेरे साथ जो लोग स्टार्ट किए थे सब जॉब कर रहे हैं आज, और उनके अंदर फिर से गलत फहमी है कि अब ये जॉब हो गई है तो अब शादी हो जाएगी, ये होगा वो, उनके अंदर 1000 गलत फहमी पड़ी हुई है अभी भी। मैं गलत फहमियों से पहले ही बाहर आ गया, आई वॉज आउट ऑफ द गलत फहमी, आउट ऑफ दिस भ्रांतियां, दिस इल्यूजन्स कि ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। एक्सप्लोर किया, 4 से 5 बार मेरी जिंदगी में बहुत लड़कियां आई हैं, काफी लड़कियां आई, ऐसा नहीं है कि मैं 1-2 लड़की से मान गया था, 4-5 लड़कियों के साथ जब मैं गया तब मुझे समझ में आया कि यहां कुछ नहीं, तो अब करें क्या? जब सब कुछ खत्म हो गया तो सुख की अपेक्षा खत्म हो गई, सुख नहीं है, बाकी सब कुछ है, सुख नहीं है। और आदमी सुख के लिए ही करता है 95%। क्या करोगे? तो हैप्पीनेस क्या है इसको समझने के लिए बहुत ज्यादा एक्सप्लोरेशन चाहिए, क्वेश्चनिंग माइंडसेट चाहिए, क्योंकि कई लोग तो बस रिलेशनशिप में जाते ही जा रहे हैं, सीखते ही नहीं है। उनको लगता है कि संसार का नशा ही मजेदार होता है, संसार का नशा जिसने किया वो या तो बीमारी से मर जाएगा,
और या तो वो किसी को मार डालेगा या तो जेल चला जाएगा। अब देखो ज्यादातर जितने बड़े बिजनेसमैन हैं या तो वो कैंसर से मरेंगे, हार्ट अटैक से आदमी मर रहा है, यही दो कारण से आदमी मरता है, कैंसर हार्ट अटैक, क्योंकि आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया, आपके लिए आपका पैशन ही सब कुछ है। और आपको समझ नहीं आ रहा है क्या, पिछले 15-20 साल से तुम पैशन फॉलो कर रहे हो, तुम कब सीखोगे? और मैंने नहीं कहा कि पैशन फॉलो करना बंद कर दो, सुख की अपेक्षा क्यों है, क्या पागल हो गए हो क्या, कुछ सीखने का एटीट्यूड क्यों नहीं है? तो इग्नोरेंट ज्यादा है लोग, इनको शायद 1000 और जन्म लगेंगे अभी समझने के लिए, कुछ लोगों को समझ में आ जाता है। कई लोग मेरे को मैसेज करते हैं कि मैंने सब कुछ भोग के देख लिया, मुझे अच्छा लगता है, सर मैंने सब कुछ भोग के देख लिया, अब मुझे समझ में आ गया मुझे क्या करना है। तो अब आपकी शुरुआत हो जाएगी खुद को जानने की, फिर आप तभी मुक्त हो सकते हो। अगर आपको मुक्ति चाहिए इस संसार से, तो आप तभी मुक्त हो सकते हो जब आपको यह पता हो कि आप बड़े हो, छोटे नहीं। अभी आपको लगता है ये संसार बड़ा है, आप छोटे हो। जब आपको यह पता चल जाएगा आप ज्यादा बड़े हो संसार से, तब संसार की बातें आपके ऊपर हावी नहीं होंगी। आज आपके ऊपर इतना प्रेशर है, आपको मम्मी पापा को साबित करना है, रिलेटिव को साबित करना है, मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, बहन की शादी करानी है, कर्जे ले लेते हैं लोग बहन की शादी कराने के लिए, इतना प्रेशर है आपके ऊपर, वो प्रेशर कैसे हटेगा? वो प्रेशर तो हमेशा रहने वाला है। क्या मेरे ऊपर प्रेशर नहीं है? बहुत प्रेशर है। क्या मेरे को ताने नहीं सुनने पड़ते मेरे रिश्तेदारों से, मेरे घर वालों से? बहुत है। लेकिन क्या मेरे को कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं एक पहाड़ के ऊपर अकेले बैठा हुआ हूं या किसी जेल में भी अकेले बैठा हुआ हूं, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हो सकता है कल को अगर मैं जेल में चला जाऊं, लेट से जाऊंगा नहीं, लेकिन अगर मैं चला गया तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा वहां उन कैदियों को मार मार के एटलीस्ट एकाध दो लोगों को तो बता दूं कौन हो तुम। शुरू में हो सकता मेरे को खराब लगे 3-4 महीने, लेकिन 5वें महीने से आई एक्सेप्टेड कि भैया अब तो यहीं रहना है 10 साल तक, अब क्या करें। अब उस हिसाब से देखो, वहां का संसार देखो, क्या कर सकते हो। और ज्यादा दिक्कत हो रही है तो समाधि ले लो। आप मुझे पकड़ ही नहीं सकते हो, कैसे पकड़ोगे? आप मुझे मार ही नहीं सकते, आपका मरना मुमकिन ही नहीं है। आप मुझे यहां से मारोगे, 100-150 साल बाद मैं कहीं और से पैदा हो जाऊंगा, फिर आप मुझे वहां से मार दो, फिर मैं कहीं और से पैदा हो जाऊंगा, आप बताओ कहां से मारोगे मेरे? महर्षि व्यास के पास एक आदमी आया, कहता है कि मुझे इस जीवन से कोई सुख की प्राप्ति नहीं हुई, मैं इस जीवन को खत्म करना चाहता हूं। तो व्यास जी बोले कि अभी खत्म कर लो तुरंत, अगर तुम्हें आत्महत्या करनी है तो अभी तुरंत आत्महत्या करके खत्म करो, मेरे से फालतू बातें मत करना, क्योंकि जैसे ही तुम मरोगे तुम देखोगे तुम मरे ही नहीं। तुम मरे ही नहीं, शरीर तुम्हारा जला दिया जाएगा, तुम वहीं के वहीं हो। फिर वेटिंग पीरियड होता है, क्योंकि इंटेंसिटी होती है, उसके बाद फिर कहीं विल बी पॉपिंग आउट। अगर वास्तविकता में आत्महत्या करनी है तो उस दिन मेरे पास आना, मैं ऐसी आत्महत्या बताऊंगा कि उसी को वास्तविक आत्महत्या बोलते हैं। ही वॉज ट्राइंग टू डिनोट महासमाधि और निर्वाणा।
तो अगर पुराने जीवन में रामकृष्ण परमहंस जी हैं या विवेकानंद जी हैं, इतने लोग छोड़ के गए शरीर को, तो कुछ कुछ सोच के गए होंगे ना। 32 33 की 36 की उम्र में विवेकानंद जी ने समाधि ले ली थी, तो कुछ छोड़ के गए होंगे। और अगर मैं कह रहा हूं वो नहीं भी करना है, एक वो मुक्ति होती है निर्वाण, उसको छोड़ो, जीवन में रहते हुए मुक्त कैसे होगे? जब तक तुम्हारी आइडेंटिफिकेशन नहीं सही है, तब तक तुम्हारे ऊपर ये समाज की बातें इतनी ज्यादा हावी हो जाएंगी। समाज की अपेक्षाएं हैं तुमसे, एक्सपेक्टेशन है। अपनी बहन की शादी करानी है, तुमको 20 लाख रुपए लेने हैं कहीं से, क्या करोगे? लेना ही पड़ेगा। लेकिन अगर तुम्हें पता है तुम कौन हो, तो तुम अपनी बहन को सीधा मुंह पे जाकर बोल दोगे, ऐसा मैं शादी नहीं कराऊंगा, भाड़ में जाओ। अपने माँ बाप को बोल दोगे, मैं शादी नहीं कराऊंगा, भाड़ में जाओ। अपने रिश्तेदारों को बोल दोगे, मैं शादी नहीं कराऊंगा, भाड़ में जाओ। वो कहेंगे नाकारा हो तुम, वो कहेंगे हां मैं हूं। क्योंकि आपको फर्क ही नहीं पड़ता, आपको ये समझ में आ चुका है कि मैं गुप्ता परिवार का हूं ही नहीं, मैं इंडियन ही नहीं हूं, मैं एशियन ही नहीं हूं, इनफैक्ट मैं पृथ्वीवासी भी नहीं हूं, मैं आकाश गंगावासी भी नहीं हूं। मैं क्या हूं? जब मुझे वो पता चल गया, तो इन लोगों की कामनाएं, अपेक्षाएं, एक्सपेक्टेशन मेरे ऊपर हावी नहीं होंगी, हावी नहीं होंगी। ऐसा नहीं ताने नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि समाज से गालियां नहीं मिलेंगी, गालियां मिलेंगी, लेकिन आपको फर्क पड़ना बंद हो जाएगा। आप खुश रहोगे, आप सामने बैठो आप बैठे रहोगे और आपको लोग गाली दे रहे होंगे, आप इतने सुखी होगे जिसकी कोई हद नहीं है, क्योंकि आप सब छूट गया आपसे। भैया जिस आदमी को पता चल गया उसके पास बहुत बड़ा महल है, वो एक कमरे के लिए क्या लड़ाई करेगा? उसके लिए एक कमरा क्या है? एक धूल के कण के बराबर है और कुछ नहीं है। तो इस वजह से आइडेंटिफिकेशन सही करनी है। अभी आप क्या समझते हो मैं शरीर हूं? नाउ यू आर थिंकिंग यू आर अ बॉडी राइट। बट इन फैक्ट इफ यू सी एट द लेवल ऑफ बॉडी ऑल्सो, आपको समझ में आएगा कि बॉडी तो हूं, लेकिन सबकी बॉडी में जो कंपोजिशन है वो भी एक ही जैसी है। अगर अगर शरीर के स्तर पे भी देखें, तो इस शरीर में और आपके शरीर में और आपकी बहन के शरीर में, आपके पापा के शरीर में, आपके दोस्त के शरीर में, मेरे शरीर में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है, शरीर शरीर है। और अगर सब कुछ अलग होता, तो सबके खाने, सबके पीने, बुखार की दवाइयां सबकी अलग होती। मेरे को बुखार हुआ, मेरे को पैरासीटामोल, आपको बुखार हुआ तो आपको पैरासीटामोल काम नहीं करेगी, आपको कुछ और काम करेगा। लेकिन सबके साथ पैरासीटामोल काम कर रही है, सबके ऊपर पैरासीटामोल काम कर रही है। इसका मतलब सबकी दवाइयां हैं, क्या मतलब? दिस इज वन ऑर्गेनिज्म। मतलब अगर आप शरीर के स्तर पर भी देखेंगे तो आप एक हैं। फिर अब सवाल आता है, मेरी आवाज अलग है, आपकी आवाज अलग है, मेरी शक्ल अलग है, फिंगरप्रिंट्स अलग है, डीएनए अलग है, तो ये क्या है? अरे फिंगरप्रिंट में जो लाइनें हैं वो देखो, डीएनए की जो कंपोजिशन है वो देखो। डीएनए सबका अलग अलग है, क्योंकि मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की ये कैरेक्टरिस्टिक है, ये प्रोटोकॉल है कि जो कुछ भी पैदा होगा वो यूनिक पैदा होगा। इस वजह से एक कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, और ये कन्फ्यूजन बहुत बड़ा है कि चाइनीज जो है वो नाइजेरियन से अलग लग रहा है, नाइजेरियन काला है, चाइनीज जो है वो उसकी आंखें चिमटी रहती हैं, गोरा है वो, तो क्या करें, दोनों एक है? हाँ एक है, क्योंकि नाइजेरियन भी दाल चावल खाएगा तो पचेगा, चाइनीज खाएगा तो पचेगा। चाइनीज को बुखार होगा तो पैरासीटामोल खिलाइए, नाइजेरियन को भी पैरासीटामोल। और डीएनए के कंपोजिशन एक है, डीएनए की जो पैटर्न है वो मत देखो, पैटर्न तो अलग है, पैटर्न हमेशा अलग मिलेगा आपको। मेरे फिंगरप्रिंट्स की लाइनें देखो, वो एक ही है। अगर अलग होता तो आपके पास फिंगरप्रिंट होना चाहिए था, और मेरा जो प्रिंट होना चाहिए था वो
मेरे पिछवाड़े पे होना चाहिए था, तब मैं समझता कि अलग है। आपका भी फिंगरप्रिंट वहीं पे है, मेरा भी फिंगरप्रिंट फिंगर पे ही है, लाइनें बस अलग अलग है, पर है तो लाइनें। तो ऐसे इन्वेस्टिगेट करना होता है आपको। आप बेस मटेरियल देखो, आप सेंसेस में मत जाओ, आप बुद्धि से देखो। सेंसेस से अगर देखोगे तो सेंसर मिसलीड करेगा आपको। सेंसेस हमेशा डिफरेंट ही दिखाएगा आपको, अलग अलग दिखाएगा, इट विल लाइक अलग अलग। आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे। दिस इज हैप्पीनेस।